पसीना पसीना होता, फिर करता क्या नहीं। घर की नारी इनको, घर की नारी बिल्कुल वस्तु स्थिति है, देख लो आप होता कि नहीं होता ऐसा। देख लो अभी हमारे तो बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास, बेचारी 80-85 साल की औरत आती है, आदमी आता है, उसकी लड़की लेके आती है, उसको लड़के नहीं लाते, ख्याल में रहो जी। वो बोलती बेचारी कि मैं कितने कब तक मैं आऊंगी इसके साथ, बच्चे तो आते नहीं, बच्चे तो अपने अपने के लड़के, माँ बोलती कि मेरे साथ कोई बच्चा आता नहीं, उल्टा मेरी बदनामी करता। लिटरली ऐसी चीज है, घर की नारी उनको वो बैठी। अब यह आदमी बुढ़ा, ख्याल में रहो 84 साल का जो भी, फिर ये औरत अभी विमुख हो गई थी कि अब इसका भी साल, इसका उसको क्या चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, सहवास अच्छा नहीं लगता, नहीं पहले अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। और घर की नारी विमुख हो गई, पुत्र करते बदनाम, और पुत्र अपने अपने काम धंधे में रहते, अब ये कुछ ना कुछ अपनी अपनी डिमांड करता है, ये फुलफिल नहीं कर सकते टाइम की वजह से, काम की वजह से, फिर बदनाम करते। बड़बड़ाता है व्यर्था बुढ़ा, बुढ़ा कैसा बड़बड़ाता है, बड़बड़ाते कि नहीं, देखते रहते हैं कि काम की चीज अलग रह जाए तो अलग ही बात करते रहते। और अटपटा आटो धाम, ख्याल में लाओ चीज, ऐसी चीज हमारी भी बनने वाली है। तब तुमको कितना ही बोलो भाई राम राम कर, काका जी राम राम करो, बाबा राम राम करो, बाबा राम राम करता नहीं, क्योंकि उसको समझ नहीं है, वो समझ आती नहीं। तो आठो अटपट धाम क्या कहते गुरु महाराज, आगे खटिया से, खटिया से अभी पहले खटिया में बैठता था, अब शरीर छूटने लगा, आखिरी आखिरी दिन एक दो घंटे चार छह घंटे फिर कहाँ डाल देते उसको, नीचे डाल देते। ख्याल मिला चीज कितनी बड़ी चीज है, यानी जिसने इतना दुनिया भर का पसारा कमाया उसको वापस आखिरी में नीचे डाल देते। क्या देखे कारण, क्या कारण देते कि मोह में उसका मन रहना नहीं चाहिए, इसको उसको गादी से नीचे डाल दो। अभी रात दिन मोह में पड़ा था तब क्या, तब तुमको समझ नहीं है कि इससे थोड़ा दो घंटे स्मरण भजन करा लो, इसको कहीं स्मरण भजन करवाने के लिए जहाँ सत्संग चले वहां छोड़ के आओ, तब उसको समझ नहीं है, मगर इतनी समझ जरूर है कि इसको वहां से नीचे डाल दो। छूट गए धन दाम कहे कबीरा काल करियो यम से पड़े दाका। क्या कहते गुरु महाराज कि कहे कबीरा कहां तक करियो यम से पड़ेगा काम। अगर तुम स्मरण भजन नहीं करोगे, बिल्कुल दिमाग में रख लो चीज, अगर तुम स्मरण भजन नहीं करोगे तुमको 100% वह यमदूत से काम पड़ेगा, यमराज से काम पड़ेगा, यमराज से काम पड़ेगा, यमदूत से काम पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी जाना पड़ेगा। ख्याल में रहो चीज, दो चीजें है, बिल्कुल दो चीजें, बार बार बोलते रहता हूं कि यह ससुरूप का देश, यह होनकार का देश, यहां पे हम, हमारे पास चॉइस है, मृत्यु लोग में है, हमारे पास चॉइस है, जैसी भक्ति करोगे वैसा फल मिलेगा। हमने माया की भक्ति की, हम माया के देश में रहेंगे, काल के देश में रहेंगे, पाप पुण्य जमाएंगे, और हमने अगर पाप पुण्य को काटने की भक्ति की तो हम सत्स्वरूप के देश में जाएंगे। वहां पे कोई प्रकार का दुख नहीं, वहां पे काल आता नहीं, वहां पे यमराज आता नहीं, वहां पे चरण सुना होनी नहीं, वहां पे गर्भ का दुख नहीं, वहां पे बुढ़ापा आता नहीं, वहां पे अमर देश है, वहां पे खाली आनंद ही आनंद है। जब तक आत्मा है और जब तक परमात्मा है आपको इसी देश में रहना है, मतलब हमेशा के लिए रहना है। ख्याल में रहो जी, और यहाँ पे कैसा होगा, अगर आप ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे 100% ब्रह्मा जी के देश में जाओगे, शंकर जी की भक्ति करोगे 100% शंकर जी के देश में जाओगे, विष्णु भगवान के देश में जाओगे, देवी देवताओं के देश में जाओगे, मगर पाप भोगने के लिए वापस नरक में आना पड़ेगा। यह आप कितना भी कोशिश करो ये छुट्टा नहीं, और पाप भोगने के बाद वापस कुत्ता बिल्ली गायडोल चौड़ चला पीढ़ी में आना पड़ेगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, उसके पहले मनुष्य शरीर मिलता है। फिर दो चॉइस है, कौन सा चॉइस है, एक तो ससुर के देश में जाओ या फिर यहाँ पे दुख भोगने के लिए आओ। तो गुरु महाराज यही कहते के कबीरा कहां तक करियो, करियो यानी कितना करोगे, कहां तक करोगे, कितना करोगे, यम से पड़ेगा काम, यम से काम पड़ेगा, ये छुटने वाला नहीं है।
ख्याल में आई चीज क्या कहते गुरु महाराज देखो आप, ना कोई तेरो तू ना किसी को, यानी फिर इसका सारांश हर छोटी छोटी साझा गुरु महाराज की इतनी बढ़िया दी हुई है, ना कोई तेरो तू ना किसी को, झूठे के पाले दिए मजले पाने, हर मन मैं आपको बिल्कुल अंदर से बोलता हूँ ये चीज, इस चीज इस आके मैं बार बार दोहराते रहता हूँ, बाथरूम में जाऊंगा तब, स्मरण करने जाऊंगा तब, जब भी, और ये साकी को आपको कितना अंदर से भाव आता है कि ना कोई तेरे तू ना खाओ को, झूठे चित्त मत दीजिए दे, झूठा चित्त है सब, इसका मतलब ये काम धंधे करना नहीं ये विषय है क्या? बिल्कुल नहीं है, आपको काम धंधे करने ही है। देखो यह सब माता जी पिताजी अपना व्यवहार सभी सब धन दौलत सभी और बाकी की भक्ति, मैं बार बार ये चीज कहते रहता हूँ, इसमें टिका टिप्पणी कुछ नहीं, ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी देवी देवता वगैरह वगैरह ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। गुरु महाराज क्या कहते हैं, हर भजो, हर यानी परमात्मा को भजो, परमात्मा को भजो, परमात्मा अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, ख्याल में लाओ जी। तो के सुखराम समझ रहे प्राणी है, प्राणी समझ क्या समझ, हर भजो विलंब न कीजिए, हर यानी उस परमात्मा की भक्ति के लिए विलंब कर मत, विलंब यानी देर मत कर, खूब स्मरण भजन कर, इनकी भक्ति करेगा या फिर इनके साथ रहेगा तो होगा क्या, ना कोई तेरो तू ना काहू को, ये आत्मा है, बराबर ख्याल में रखो ये आत्मा है ना। अभी जब तक हम यहाँ पे हैं, माँ बाप खूब सेवा करो, ईमानदार से सेवा करो, खूब काम धंधे करो, ईमानदार से काम करो, कोई भी तुमको काम करने के लिए मना ही नहीं है, और यह करने के बाद यह कर रहे हम, मगर दिमाग में एक रखो कि ये सब मेरे हैं, मगर ये मेरे नहीं है, ये मेरा आत्मा अकेला ही आया था और मेरा आत्मा अकेला ही जाने वाला है, ये सिर्फ हमारे कर्म एक मिनट के लेने देने हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये बेसिक चीज ख्याल में रखो, जो कर्म हमको इजी गोइंग सहज में रह के खत्म करने हैं, साथ में राम राम करना है, राम स्मरण करना है, क्यों, कि हमारा टारगेट परमात्मा के देश में जाना है, ये ख्याल में रखो चीज। तो गुरु महाराज कहते हैं अभी ब्रह्मा जी विष्णु जी की भक्ति करोगे तो गुरु महाराज कहते हैं इनके इनका साथ कहां तक है, यह देखो आप, जैसे एक गुरु महाराज का कबीर जी का भजन था, कबीर जी के भजन में क्या लिखा हुआ है कि त्रिया, त्रिया का साथ कहां तक है, दहेली तक, जैसे घर है, यह घर शरीर छूट गया हमारा, क्या है मेरा चीज, तो यह त्रिया, त्रिया यानी पत्नी, पत्नी जब भी शरीर छूटा तो हमको जब लेके जाते तब पत्नी कहां तक आते, उम्बटे तक, उम्बटे तक आती है ना, और माता थोड़ी सी और आगे आती और बाकी लेडीज और भी थोड़ी आगे आती और साथ में मशान तक कौन जाता, दोस्त लोग परिवार ये मशान तक जाते, ये आते क्या साथ में, नहीं यहां तक ही आते, इसके ऊपर आते नहीं, फिर आगे जाता ये आत्मा कहां जाता, फिर अकेला जाता, आत्मा अकेला जाता, जो भी पाप पुण्य के सहारे जाता आगे, फिर ये ब्रह्मा जी के देश में विष्णु जी के देश में जाएगा, वहां पे पुण्य भोगेगा और अच्छे से भोगेगा, यानी उसका फल मिलता, फिर वापस नरक में पाप भरने के लिए आएगा, अब यहाँ पे कौन वाली है उसका, फिर 84 लाख इन्हीं में आएगा, फिर यहाँ पे कौन वाली है उनका, यहाँ तो ठीक है हमने ये भक्तियां कर ली, हम वहां पहुंच गए, उन्होंने बोल दिया हमको आ जाओ वेलकम, आपने हमारी भक्ति की, आप आओ हमारे यहाँ, और जितने पुण्य आपके खत्म हो गए आपको यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि पाप वहां चलते नहीं, पुण्य चलते, पाप जहां चलते नरक में, तो वहां आओ, फिर 84 लाख इन्हीं में भोगो, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अब फिर तुम्हारा है कौन, अगर तुम राम राम करोगे, स्मरण भजन करोगे और नयन चर की भक्ति करोगे, तो फिर तुम्हारे कर्म खत्म होने के बाद तुम वो परमात्मा के देश में चले जाओगे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए परमात्मा के देश में चले गए, तो वहां पे आनंद ही आनंद, ये आत्मा और यह शरीर, अमर शरीर और परमात्मा का देश, ना कोई तेरो तू ना किसी को, झूठे चित्त मत दीजे दे, इसमें झूठा चित्त दे मत, चित्त यानी मन, या इवन उसको तुम निज मन बोल सकते हो, यहां पे बोलने में हरकत नहीं, मन तुम्हारा संसार में रखो और निज मन तुम्हारा
परमात्मा में रखो, निगमन बोल सकते हो, चित्त बोलते ना बारी में, तो चित्त पढ़ाई कर, चित्त देके पढ़ाई कर, यानी निगमन से पढ़ाई कर, बहुत अच्छे से ईमानदार से पढ़ाई कर, तो ऐसे निगमन दे सकते हो। तो ना कोई झूठे चित्त नहीं दूजे के टुकड़ा में समझ ले पानी हर बज बुलन ना, तो कर क्या तो वो परमात्मा के भक्ति कर क्या कहते नरतन खेत नाव कर निपजे, एक से एक साखी है बढ़िया बढ़िया। नरतन खेत नाव कर निपजे मोती पुलका बाया, नरतन खेत नाव कर निपजे। देखो अब आगे मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ये करते रहता, मैं छोटा मोटा समझने के लिए समझाने के लिए कोशिश करते रहता, तो ऐसे साखी बोलते तो फट करके समझ में आता नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नर्तन खेत, जैसा ये खेत है, ये खेत है, अब किसान इसमें मेहनत करता, मेहनत करके क्या होता, फिर गाड़ी भर के घर में अनाज आता। तुम बराबर समझो, अभी आषाढ़ का महीना है, जून जुलाई में तुम खूब उसके खेत की अच्छे से डवरन करोगे, वखरन करोगे, एक बैल चलाओगे, सब बराबर उसके अच्छे से काम करोगे, तो आपको कार्तिक में क्या मिलेगा, फसल मिलेगी। तो गाड़े घर पे भर के आएंगे, गाड़े भर के आए तो होगा क्या, पे क्या होगा, आप माला वाला हो जाएंगे, आनंदित रहोगे, सुखी रहोगे, होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपने खेती नहीं किया, ऐसा कैसे पढ़ाए, पढ़े अपने घर पे सो रहे, खेती आपके पास है और सो रहे, नहीं पड़े, नहीं खेती किए, तो आपको काटी में माल मिलेगा क्या, पैसे मिलेगा क्या, ख्याल में लाची। ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि नर्तन खेत नाम कर निपजे, ये नर्तन क्या है, ये खेत है। ये नर्तन को इतना सोपा मत समझो, इतना इज मत लो, बहुत भारी नर्तन है नहीं मनुष्य शरीर, यह खेत हो गया खेत, और यह हो गया नर्तन। देखो ये हो गया नर्तन, ये भी खेत हो गया, इसमें रामस्मरण करो, रामस्मरण करो, रामस्मरण करो, इसमें बीज डालो, कौन सा बीज डालो, रामस्मरण करने का, खूब रामस्मरण करो, रामस्मरण करो, एक सांस में होते है सिमरन 70 करोड़, कितने 70 करोड़ स्मरण होते है एक सांस में, अगर विधि से भजन करो अखंड ध्वनि लगती है तो, ये 24 घंटे अखंड ध्वनि लगती है, ये 24 घंटे अखंड लगते हैं, तो एक सांस में 70 करोड़ रामस्मरण होते हैं, और कितने शरीर के रामस, शरीर के श्वास चल रहे हैं, कितने रामस्मरण होंगे, कितनी गाड़ी भर भर के घर में आना जाएगा, आप विचार करो, विचार करने की बात है। तो ऐसा बनो गुरु महाराज कहते हैं, अगर रामस्मरण नहीं करोगे तो होगा क्या, इसके इसके ऊपर पहले पाप का पुण्य का उसके ऊपर ढेर आ रहा है, और पाप और पुण्य ऐड होंगे, पहले इतना था अब और इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि राम नाम करते शब्द है, आप राम नाम ही कर्म काट सकता है, बाकी कोई कर्म काटते नहीं। क्या कहते हैं गुरु महाराज, देखो आप, नरतन खेत नाव कर्ण निपजे, बहुत बढ़िया साखी है, देखो आप, नरतन खेत नाव कर्ण निपजे, नरतन ये खेत है, खेत जैसा ये खेत है, संसार के लोगों में का जो खेत रहता है ना वो खेत है। नाव कर्ण निपजे, अब इसमें जैसे हम जवारी बोई, इसमें जो गौ बोया तो निपजता कि नहीं, यहाँ पे उंगे लगेंगे, यहाँ पे जवारी के भुट्टे लगेंगे, फिर इसमें से हमको जवारी मिलेंगी, यहाँ गौ मिलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यह गाड़ी में भर भर के मार्केट में लेके जाएंगे बिकने के लिए, फिर वहां के पैसे लाएंगे, फिर पैसे लाके घर में माला माल सुखी से मिलेगा, ऐसे पैसे है कि नहीं, ख्याल में रहो चित, नरतन खेत ना हो करने पे, ऐसे तुम तुम्हारे ऊपर कर्मों का बोझा है, कर्म कौन से है, ये पाप और ये पुण्य, पुण्य कर्म तो सब भगने के लिए तैयार हो जाते, हंसी हंसी मजाक मजाक, और पाप भगने के लिए दुख, दुख बड़ी तकलीफ है, दुख होता। तो गुरु महाराज कहते हैं तो यह कर्म पाप और पुण्य तुम्हारे साथ है, इसमें अगर आप राम नाम रूपी कण बीज अगर डाल दोगे, बीज अगर डाल दोगे तो होगा क्या, ये पूरे के पूरे कर्म तुम्हारे इतने रामस्मरण हो जाएंगे, इतने रामस्मरण हो जाएंगे कि ये तुम्हारे कर्म पूरे खत्म हो जाएंगे, पूरे खत्म हो जाएंगे कर्म, और कर्म खत्म हो गए तो आप कैसे हो गए, निकर्मी, आपका आत्मा कैसा हो गया, निकर्मी हो गया, कर्म रहित हो गया, तो सस्वरूप के देश में जाएंगे। नर्तन खेत नाव कर्ण निपजे मोती पुल का बाया, मोती पुल का बाया का क्या अर्थ है, मोती पुल का बाया,
बाया है ना, बोया है एक्चुअली, मोती पुल का बोया क्या है देखो आप, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या लिखा है ग्रंथों में कि ऐसा एक पल आता, ऐसा एक पल आता, या आरा आता या पल आता, ये समझ के चलो टाइम आता, वक्त आता, जब तुम खेती में, मेरे शब्द पे क्या रखना, खेती में अगर मोती बो दिए, मोती बो दिए, जैसे गहू बोते ना अपन, गवारी बोते तो गवारी का फल निकलता, गहू का दाना निकलता, ऐसे मोती बो दिए तो मोती के दाने निकलने चालू हो जाते, मतलब मोती निकलने चालू हो जाते, ऐसा कोई तो भी एक ऑरा आता। ग्रंथों में लिखी हुई ये चीजें, गुरु महाराज ने ये लिखा हुआ है कि ऐसा ऑरा आता भाई कि जिसमें मोती अगर बोए तो मोती फलने चालू हो जाते, निपजते। ये 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 स्वाति नक्षत्र में कैसा रहता कि ये जो शिमला रहता ना, ये शिमला में स्वाति का बूंद पड़ा तो यहाँ पे मोती चालू, मोती आ जाता। ये तो एक ही है, ये एक दो चार ही है, यहाँ तो खेती निपजती। ख्याल में रहो, जैसे गौ द्वारी निपजते वैसे है मोती की खेती निपजती। गुरु महाराज कहते नरतर खेत नावक निपज, मोती पुल का बाया निपजा संत, मोती पुल का बाया। ऐसे जैसे ये जैसे वक्त रहता, कौन सा वक्त, कोई तो भी ऐसा समय रहता जिस समय में आपने मोती अगर पौधे मोती अगर बो दिए तो आपको गाड़े भर मोती मिल जाएंगे, ऐसा ये समय रहता। ऐसे ही गुरु महाराज कहते ये मनुष्य शरीर ऐसा ही एक समय है। अभी ये ब्रह्मा जी का शरीर, ये विष्णु भगवान का शरीर, ये शंकर भगवान का शरीर, ये 33 कोटि देवताओं का शरीर, ये मनुष्य शरीर, ये कुत्ता बिल्ली गाय ढोर का शरीर। अब ये शरीर में आप ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से कितनी भी भक्ति कर लो, आपको वह चीज नहीं मिलेगी। ये मनुष्य शरीर में ही आपके कर्म कटेंगे। जैसे कोई तो भी पल में अगर तुम मोती अगर बहो तो मोती निपजते, ऐसा ही ये पल है। ख्याल में है, ऐसा ही मनुष्य शरीर पल है कि इस पल में आपने राम राम बोल दिया तो चारों तरफ राम राम निपज जाएगा, निरंकार लग जाएगी, अखंड ध्वनि लग जाएगी। आप ये ब्रह्मा जी के देश में, शंकर जी के देश में कितना भी राम राम कर लो, अखंड ध्वनि लगेंगे नहीं, निरंकार लगेंगे नहीं। ये चौरण शिला करने का तो विषय नहीं है, यह शरीर ही ऐसा है। यह वक्त, यह समय, किसका समय, यह आत्मा का, ये आत्मा का समय, आत्मा का वक्त ऐसा है कि वो सही घड़ी में आई ये मनुष्य शरीर में। इसलिए ये चीजें हो रही है उसको कि 24 घंटे अखंड ध्वनि लग रही और ये चीज बन रही। अगर ये आत्मा जब जब भी दूसरे शरीर में थी उसके पास यह मोती पुल का बाया वाला विषय नहीं था। ख्याल में है, निपजा संत साक फल फूली। गुरु महाराज कहते अरे जितने भी संत गए, केवल संत हो गए, कबीर जी हो गए, दादी जी हो गए, दरियाल जी हो गए, गुरु महाराज हो गए, कितने भी केवल संत हो गए, जितने भी केवल संत हो गए, उन्होंने भी ऐसा ही किया। क्या किया, खूब राम स्मरण किया, खूब राम स्मरण किया, और उनके भट में वह नाम स्मरण का बीज यानी नियंत्रण निपजा उपजा और अखंड बनी लगी, कर्म काटे और शरीर छुपने के बाद उस अमर लोग में गया। क्या कहते गुरु महाराज, निपजा संत साक फल पूरी। अब निपजा संत, संत निपज गए यानी कैसे, अखंड ध्वनि लग गई, निपजा संत साक साक फल पूरी, भर गाड़ा भर लाया, गाड़े भर भर के घर लाया, मतलब खुशी आनंद। अब यहाँ पे अखंड ध्वनि लग गई, अब क्या होगा, जिस दिन इनका शरीर छूटेगा, यह पालक यह संचित कर्म, यह क्या, यह संचित कर्म जो खत्म हो गए, तुमने अखंड ध्वनि लगाई, यह क्रियावान कर्म जो तुमको लगते नहीं क्योंकि रात दिन नाम स्मरण करते, और प्रारब्ध कर्म शरीर के साथ जुड़े हुए, शरीर खत्म हो गया प्रारब्ध खत्म हो जाएगी, यानी आपके संचित भी खत्म हो गए, क्रियामान भी लगे नहीं, प्रारब्ध भी खत्म हो गए, मतलब आपका आत्मा ये कर्म हो गया, शुद्ध ब्रह्म हो गया, माया का विषय भी खत्म हो गया, शुद्ध ब्रह्म हो गया। ऐसे ही संत गुरु महाराज कहते निपजा संत साक फल पूरी। अब ये गए कहां पे, यह गया अमर लोग में, अमर देश में, अमर काया में, यहां आत्मा चलेगी। संसार की आत्मा कहां आती, कभी ब्रह्मा जी के देश में, कभी विष्णु जी के देश में, कभी शंकर जी के देश में, कभी देवी देवता के देश में, फिर यह भगने के बाद वापस कंपलसरी नरक और कंपलसरी चरण शिला पूरी, फिर कंपलसरी मनुष्य शरीर, फिर यहाँ पे वापस गोल्डन चांस, कर्म काटो, परमात्मा के देश में जाओ, कर्म जमाओ, यहां घूमो। ख्याल में आई चीज,
ऐसा है चीजें। निपजा संत साक फल फूली भर गाड़ा घर आय, मेरे ख्याल से इतना ही ठीक है। उसके आगे का बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया है, आगे लेंगे। आदि सद्गुरु सर्वात्मा के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य 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 राम सभा में राम राम महाराज राम राम सा प्रणाम सबको प्रणाम सबको राम राम। इसमें हमने क्या सीखा कि हमने यही सीखा कि मनुष्य शरीर बहुत महान है, मनुष्य शरीर खूब महत्व का है। इसमें हमको ये आत्मा हमारी अमर है, अमर आत्मा को अमर देश में ले जाने के लिए हमको हमारे पीछे जो लगे हुए कर्म है वो कर्म काटना पड़ेगा। कर्म राम राम से काटे जाते हैं, सद्गुरु के शरण में आने से काटे जाते हैं। यह काम हमको 24 घंटे करना है, न चुपते हुए और न न चुपते हुए हमको ये चीज करनी है, ये चीज ख्याल में रखना है ठीक है। अब हम 10 मिनट राम राम स्मरण करेंगे। हाँ सर आप ऑर्डर ले लेना प्लीज, हम लोग अभी राम राम करेंगे 10 मिनट, मुझे नोट कर देना। Thank you.